और उसके बावजूद आप इस टूर पे गई, आपने खूबी के साथ परफॉर्म किया। कहां से आता है आपके अंदर ये साहस और ये ढाढ़स, दिस स्ट्रेंथ एंड दिस विल? हमारे परिवार में रोज सुबह हम जाग के डबनदास खाते हैं। उससे साहस और ढाढ़स नहीं बढ़ता है, उससे आदमी के अंदर शक्ति आती है, लेकिन ये तो एक मानसिक चीज। फ्रॉम यू ऑल आवर पेरेंट्स, यू हैव इनग्रेन्ड इट इन अस। आप लोगों ने हमें हमेशा सिखाया है बचपन से कि यू नो इट्स व्हाट वी टेक ऑन अ कमिटमेंट। इज नथिंग ट्रूअर देन अ कमिटमेंट। व्हेन यू कमिटेड टू इट, इट्स फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ वांटिंग टू डिलीवर योर बेस्ट टू a word given, a deed committed to, that you just go forth and do it, because everything is, I mean, your family is most precious to you, and so is the commitments that you take on. This show as a family for us also, apart from the team putting it forth, is was very very special for us, because kyunki pehli baar aap apne pati dev ke sath gayi aur aapke sath bhi, maa ke sath bhi, I mean as a family we were going forth, aur badi mehnat ki aapne inke upar, इनका जितना जो ड्रेस डिजाइनिंग थी वो आपने किया, और क्या सोच करके किया आपने इनकी ड्रेस डिजाइन? सिर्फ ड्रेस डिजाइनिंग ही नहीं, शी डिजाइन माय एक्ट आल्सो एंड डिजाइन्ड योर एक्ट। तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं भी नहीं रह पाती हूँ, इट्स जस्ट दैट आई थिंक एक्साइटमेंट पावर, जस्ट यू नो आई वोंट टेक क्रेडिट फॉर इट एट ऑल, द डिजाइनर्स हैव डन इट, शामक, विजक्राफ्ट, एवरीबॉडी वाज देयर। लेकिन आपके मन के अंदर क्या, आपके मन के अंदर क्या था जब आपने सोचा कि अभिषेक को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए या इस एक्ट में ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं क्रेडिट इनको दूंगी कि मैं अपने आइडियाज को अंदर रख नहीं पाती हूँ अपने मन में। सो जो भी मन में है क्रिएटिवली, आई जस्ट गेट एक्साइटेड एंड आई शेयर इट, बट इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम, माय डियर हस्बैंड, टू बी एक्सेप्टिंग एंड ओपन टू इट, एंड आई एम ग्लैड द होल टीम एंड दे एम्ब्रेस्ड इट वेल, थैंक यू। पॉइंट बीइंग, नेवर आर्ग्यू, जस्ट ओबे, जस्ट ओबे। And don't regret it thereafter. ये गुरु मंत्र आपको किसने सिखाया? आपने। धन्यवाद। पत्नी के साथ कभी बहस नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, जो भी वो कहें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हाथ जोड़ करके, क्योंकि कुछ नहीं, क्योंकि क्यों नहीं? नहीं, नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं, सवाल ही नहीं उसके बाद। ओके, इस शो में आपके साथ एक और महान कलाकार माधुरी दीक्षित जी, अमेरिका से। नो नो नो, आपकी बात हो गई, आपके टैलेंट के बारे में बात हो गई है, अब आप थोड़ी देर शांत रहिए। हाँ, एक और बात है, जब पत्नी के साथ बैठे हो तो आपको शांत रहना चाहिए, लेट द पत्नी टॉक। तो माधुरी दीक्षित थी हमारे साथ अमेरिका जी, जितने भी सिटीज से उनके साथ जी, और आप दोनों ने मिलकर के देवदास का बहुत ही खूबसूरत गाना डोलारे परफॉर्म किया स्टेज पर, कैसा लगा? अनफॉरगेटेबल, ऑलवेज इटर्नली मेमोरेबल, इट्स जस्ट so much fun because we both love dancing, and we are almost, you know, it's almost, we're almost spiritual about it when it comes to the art of dancing for us. And even when we were filming, we used to keep thinking to get the opportunity to do this again, and I'm so glad we managed to bring it together on this show, which was aptly called Unforgettable, because that's exactly what this experience has been for us. अभिषेक के बारे में यह कहा जाता है कि ये बहुत चुलबुले हैं, बहुत से प्रैंक्स वगैरह करते रहते हैं सबके साथ, मजाक करते रहते हैं, आपके साथ इन्होंने क्या किया कुछ ऐसा? इट डजंट एंड विद जस्ट अभिषेक, बिकॉज विद अभिषेक देयर इज रितेश, ही इज आल्सो फुल ऑन मस्ती, यस, कुछ ऐसा मजाक कसा इन दोनों ने, इसीलिए रितेश का नाम रखा गया था अनफॉरगेटेबल मस्ती। हाँ, नॉट दैट विशाल, प्रैंकस्टर एक्चुअली रितेश है जी, नहीं, मैं बहुत ही इनोसेंट बाईस्टैंडर। गुरु मंत्र देते रहते हो, एंड ही इज टोटली गुरु मंत्र दिया था उसे, ये उसके बाद वो टेक ओवर कर गए। दे आर बोथ हैंड इन ग्लव्स। व्हाट डिड दीस टू डू टू यू एज अ प्रैंक? डिड दे प्ले एनी प्रैंक ऑन यू? डू नास्टी वन, दे जस्ट सडनली क्रैश्ड इन ऑन माय एक्ट, एंड आई थॉट दैट वाज सुपर्ब, बिकॉज़ एट वन पॉइंट आई वाज लाइक टेकन अबैक टू सडनली सी दीस टू नेक्स्ट टू मी आल्सो डूइंग। वेयर व्हेन? दे विल सी इट इन माय फर्स्ट एक्ट, व्हेन दे सडनली केम इन, एंड देन आफ्टर दैट दैट काइंड ऑफ जस्ट स्टार्टेड बिकमिंग a part of, and then sometimes they'd say, okay, today we will or today we won't come in, and that in your, the back of your mind when you're performing, you're not sure whether
to expect them or not to expect them. So that kind of becomes a little bit challenging. But that apart, masti has gone on throughout the tour part. Nothing individual. And I live with him, so I kind of prepared. I've gotten in tune with his. We hope there's going to be masti continued in this entire program and more in your life. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद आकर के आपको और प्रश्नों के साथ सुसज्जित किया जाएगा. तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार और. दिस इज वेयर अभिषेक प्रपोज टू मी. जस्ट मेड दैट पर्टिकुलर शो. कहाँ पर प्रपोज किया इन्होंने? आप तो मुझे मालूम नहीं है. मुझे तो केवल फोन आया जी. तो मैंने प्रपोज कर दिया है. वेलकम बैक टू द बिग बीज डेन. सिर्फ 8 दिन रह गए हैं इस साल के सबसे अनफॉरगेटेबल टूर के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर में. भूल कर भी मत भूलिएगा 11 अक्टूबर रात 8:30 बजे सिर्फ इमेजिन पर. अब सालों का जो सिलसिला है वो यहां पर जारी रहेगा. हमारे पास ऐश्वर्या है और अभिषेक है. अभिषेक और ऐश्वर्या, बताइए, बहुत सारे शहरों में आपने टूर किया, कौन सा शहर जो था वो आप दोनों के लिए सबसे प्रिय था? द मोस्ट फेवरेट सिटी फॉर बोथ ऑफ यू. यू फर्स्ट अभिषेक. इसमें आप पहले. बहुत देर से आप यहाँ खामोश बैठे हुए हैं. आपने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा. मुझे चुप बैठना चाहिए तो मैं चुप बैठ. नहीं नहीं ठीक है, अब आपको मैं इजाजत देता हूँ कि आप बात करें. मेरे हिसाब से शिकागो का जो शो था वो बेस्ट था, सबसे प्रिय. और क्योंकि वहाँ की जो क्राउड थी बहुत ही कमाल की क्राउड थी. यू गोना डांस विद मी शिकागो. You can't doing it sitting down. Stand up. Get up. Hit it. The crowd was amazing everywhere. Everywhere. Audience makes the show unforgettable for us. I mean, they just. अगर आप नोटिस करें तो हर शो के बाद जब हम आपके कमरे में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, ये एक बात जरूर सब लोग कहते हैं कि आज का शो भैया बहुत अच्छा. माइंड ब्लोइंग था, द बेस्ट एवर. और फिर नेक्स्ट वीक जब हम कहीं और शो के बाद आपके कमरे में बैठे होते वहां भी यही कहते हैं आज बेस्ट रहा. वो हमेशा बहुत ही मुश्किल बात. बहुत ही मुश्किल था. हाँ, कि आज का शो बेटर है कि कल का बेटर होगा. ऑडियंस रिएक्शन. आई रियली फील कि ऑडियंस मेड द शो सुपर्ब वेरेवर वी वेंट. टोटली. ऐश्वर्या, किसी वजह से आपने कहा कि न्यूयॉर्क का शो जो था वो आपके लिए खास था. 2 साल पहले आपके साथ वहां पर जो गुजरा या गुजरी इस वजह से आपको लगा कि न्यूयॉर्क जो है वो बहुत खास है आपके लिए. जी, उसके बारे में बताइए. मेरे लिए, हमारे लिए एक्चुअली न्यूयॉर्क बहुत ही स्पेशल बन गया है क्योंकि to go on the world tour for the first time with my husband, with my current family, and to remember in New York that this is where Abhishek proposed to me, just made that particular show. बताना चाहेंगे कहाँ पर propose किया इन्होंने? आप ने मुझे मालूम नहीं है. मुझे तो केवल फोन आया. जी. मैंने propose कर दिया है. मैंने कहा बधाई हो, जल्दी घर आ जाओ. जी. और उसके बाद तो कहाँ पर हुआ ये? I won't give all details, but you don't want to give details. ठीक है. तो आपके लिए न्यूयॉर्क शहर जो था वो खास था क्योंकि वहाँ पर अभिषेक ने आपसे आपका हाथ मांगा. जी. और हमने हाँ कहा और तुरंत ही आप सभी के आपके हम सबकी सहमत हुई. आशीर्वाद आप लोगों ने दिया. तो इट वॉज जस्ट वेरी इमोशनल एंड द एंटायर फ्लाइट बैक वॉज जस्ट सो इमोशनल. इट्स वेरी स्पेशल. अभिषेक, आपके लिए भी न्यूयॉर्क का शो जो था वो थोड़ा खास था क्योंकि ये खास मेहमान को आपने बुलाया था ऑडियंस में. जी. तो आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, श्वेती आई थी दिल्ली से. आपकी बहन? क्योंकि जी मेरी सुपुत्री. जी. श्वेता नंदा. क्योंकि नेक्स्ट डे रक्षाबंधन का त्योहार था. और श्वेती राखी बांधने ऑल द वे दिल्ली से न्यूयॉर्क आई थी. ओके. तो वो बहुत खास रहा. श्वेती को जब भी हमने किसी भी चीज के लिए बुलाया है सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आ जाती है. और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली से मुंबई आने की बात नहीं थी. ये दिल्ली से अपने दोनों बच्चों को छोड़ के न्यूयॉर्क तक आ गए शो में पार्टिसिपेट. छोटा सा क्लिप है और उस क्षण का जब आपने
श्वेता से बात की ऑडियंस में. कैन वी हैव अ लुक एट दैट क्लिप.